अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर चौधरी। आज हम आपके लिए एक और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हैं। रावी पर मौजूद कामरान के जो बारादरी है, वहां पर आपको आज सैर कराने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि यहां पे जब आएंगे, तीन चार चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो लाइफ जैकेट पहनना ना भूलिएगा, ये गवर्नमेंट की जानिब से, अगर आप लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, इसकी टिकट जो है सिर्फ 100 रुपया है ले कर जाने और आने की, तो बस ये नॉर्मल सा रेट है, 100 रुपया पर हेड ये लेते हैं और आपको बारादरी तक पहुंचाते हैं। तो ये है कामरान की बारादरी, जो ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था, और ये बारादरी जो है 400 साल पुरानी है। तो आइए आपको जो है वहाँ पर लेके चलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और अगर मेरी तमाम वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे जो है चैनल पे जाके बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा, ताकि मेरे तमाम आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें कामरान की जो है बारादरी वहां पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। लेकिन वो दरिया के बिल्कुल सेंटर में है, वहां पे आपको कश्ती के ज़रिए जाना पड़ता है। तो चलें चलते हैं, उसकी सैर कराते हैं। हम जो है उस मोटरबोट में बैठ चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। लेकिन जो है आपको बताऊं कि मैंने लाइफ जैकेट पहनी है, लेकिन उनका कहना था कि जब पानी ज़्यादा हो तो फिर जो है इसको हम पहनाते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन थी उसको मैंने फॉलो किया और लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी समझा। तो अभी हम जाएँगे जो है कामरान है जिनकी बारादरी है, चूँकि ये तकरीबन कोई 1200 मीटर का जो है डिस्टेंस है जो हम तय करके जाएंगे। तो इसकी दो और चीज़ें भी आपको बताऊं कि ये बड़ा यूनिक सा है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो है इसकी अदम तवज्जो की वजह से वो कंडीशन नहीं है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज है। तो बाकी आपको अंदर जाके बताऊंगा कि इसका जो है अब स्ट्रक्चर कितना परसेंट बचा हुआ है, क्योंकि हमने आपको बाकी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके गए थे, कुछ वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इकदाम किए थे। लेकिन इस बारादरी पे जाने के लिए कुछ और मुनासिब रास्ता नहीं, सिर्फ आप मोटर बोट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको जब मेन जहाँ पे आप टिकट्स लेते हैं वहाँ पे कुछ माफिया भी ऐसे बैठे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो टिकट्स के रेट जो है उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन आप थोड़ी सी बहस करेंगे तो आपका जो नॉर्मल रेट है वही आपसे लेंगे। बहरहाल ये एक आपको थोड़ी सी मैंने बताई ये बातें। लेकिन जब हम जाएंगे कामरान जो बारादरी है, तो ये 400 साल पुराना है, आपको वहाँ पे पढ़ के इसकी मज़ीद जो है तारीख के बारे में बताएँगे और वो क्या है, कितने रकबे पर मुहित है वो भी आपको बताते हैं। चले हम अब उस तरफ रवा दवा होने लगे और वहाँ पर जाके आपको उसकी बारादरी भी दिखाते हैं। Oh, oh, oh.
व्यूअर्स, हम अब तकरीबन 3 से 4 मिनट का फासला था जो हमने ऐसा ऐसा तय किया है, अब हम उस बारादरी के नज़दीक आ गए दरिया क्रॉस करके। तो ये जो था ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा कामरान, उसकी ये बारादरी है। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है कि वो तवज्जो नहीं है इस पर, लेकिन मज़ीद अंदर जाके पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है अब कितना जो है बच चुका है। तो हमारा मकसद है आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके आना और उसकी हिस्ट्री बताना, उसकी खूबसूरती, और लाहौर के जितने भी तारीखी मकामात हैं, क्योंकि लाहौर तारीखी मकामात का एक मजमूआ है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुग़ल दौर के, मुगलिया दौर के जो इमारात हैं, महलात हैं, वो सिर्फ लाहौर में ही हैं, जिसमें बागात भी हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं कामरान की जो है बारादरी है, वहाँ पे। तो चलें फिर अंदर चलते हैं। ये इसकी मेन इंट्रेस है, हम जिस रूट में है तो नीचे है, इस वक्त हम उस ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। तो चलें चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कि बारादरी का क्या माहौल है। हैरानकुन चीज़ है कि दरिया के एन वस्त में जो है इतना बड़ा टीला, उसके अंदर बारादरी। ये जब इसकी तामीर हुई थी तो शायद उस वक्त ये रावी जो थी अपनी जगह पे इस जो मौजूद नहीं था, शायद ये जो है दरिया के कटाव की वजह से ये अंदरूनी हिस्सा इसका काफ़ी जो है पानी में धस चुका है। लेकिन इस वक्त ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 30 से 35 फुट इसकी हाइट है, जो मेन जो है इसका ग्राउंड है। काफ़ी दरख्त भी लगे हुए हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है वो बारादरी है, और तकरीबन वो भी कोई 20 से 25-30 फीट जो है उसकी भी हाइट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 जो है फीट इसकी हाइट बनती है। ये मैं एक रफ सा एस्टीमेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी मेन इंटरेस्ट वहाँ से है, वहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पे आके आप पिकनिक भी जो है इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, चूँकि दरिया के नज़दीक गर्मी भी होती है और जो है थोड़ी नमी भी हवा में होती है, लेकिन बड़ा मुतदिल सा यहाँ पे मौसम है। तो आगे चलते हैं से और हम जाते हैं बारादरी पर। बरसगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 के बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। शहनशाह हुमायूं उसके कब्जा को मानते हुए उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर से बाहर दरियाए रावी के दूसरी जानिब एक खूबसूरत बाग लगवाया और उसमें एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। ये लाहौर में अहद मुगलिया की पहली तामीर करदा शाही इमारत है। बाद इसी बारादरी में मुगल शहनशाह जहांगीर ने अपने बड़े बेटे शहजादा खुसरो के 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सजाए मौत और शहजादा खुसरो को नाबीना करने की सजा भी सुनाई थी। इब्तदाई बरतानवी ओहद में इसे तारघर और बाद अजां मलाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरियाए रावी का रास्ता तब्दील करने के बायस ये बारादरी एक जजीरे की शक्ल अख्तियार कर गई और सैलाबों ने इसका 2/3 हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1989 में इसके तबाह हिस्से को असरे नौ तामीर किया गया और इसकी तज़ीन और आराइश भी की गई। व्यूअर्स, इस वक्त जो है बारादरी के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर शायद किसी ज़माने में आशार भी होगी, लेकिन इस वक्त पानी जो है काफ़ी आलूदा है, तो इस पर थोड़ी सी इनको तवज्जो देनी चाहिए, फ़्रेश होना चाहिए। ओवरऑल इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, बागात काफ़ी खूबसूरत हैं। मुगलिया दौर की कोई भी चीज़ आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये मुगलिया दौर की बनी हुई चीज़ है, उसकी मजबूती, उसका स्ट्रक्चर। मैंने एक चीज़ देखा है कि इसकी तामीराती जो है तरीका है और उसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है आपस में। हर बारादरी के बाहर ऐसे जो है पानी के तालाब
हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो शाही किला है, चाहे वो जो है किसी भी जो शाही बागात में उसको आप शामिल कर सकते हैं कि उसमें जो चीज़ें बनी होती हैं। तालाब उन्होंने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस वक्त फ्रेश पानी होगा, इसका पानी कैसे आता था और उसको कैसे चलाया जाता था, फ्रेश रखा जाता था, ये अभी तक हमें नहीं पता। इसके बाद में भी इसको तब्दील किया गया है, तो उससे काफ़ी खूबसूरत जो है व्यू मुझे नज़र आ रहा है पीछे, तो इसका पार्क काफ़ी खूबसूरत है। सबसे हैरानकुन बात है कि इतने पुराने दौर में इतना खूबसूरत जो है नक्शो निगार और उसकी इमारत को खूबसूरती में बदलना और उस मटेरियल को इतना मजबूत और ऐसी मुश्किल मुश्किल जगह पर जो है शाही जो थे, बादशाह थे, मुगलिया दौर के जो भी जो हुक्मरान थे, उनका एक अपना ही स्टाइल था इमारतों को बनवाने का, ये भी उनका बड़ा खूबसूरत शौक था। लेकिन जो है आजकल हमें कोई नई इमारत में ऐसा नहीं, कुछ एडवांस ज़रूर मिल सकते हैं, खूबसूरती भी हो सकती है मज़ीद, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ही अजीब होती है, बड़ा महसूस करती है अपनी तरफ। इसकी इमारतें, इसका स्ट्रक्चर, चाहे वो टूट फूट का शिकार भी हो तो वो अपनी तरफ खींचता ज़रूर है और महसूस होता है कि ये मुगलिया दौर का एक शाहकार रहा होगा। व्यूअर्स, इस वक्त जो है हम बारादरी के बिल्कुल जो है टॉप पर मौजूद हैं, जहां से आपको पूरे जो है बारादरी का व्यू नज़र आएगा, काफ़ी खूबसूरत है। पीछे आपको दरिया रावी का वो ब्रिज नज़र आ रहा होगा, तो जो ट्रैफिक के लिए जो है वहां पे लोग आमदोरफ जो है रवादामा है, लेकिन जहां पे हम आए हैं वो मोटर बोट के ज़रिए है। अगर इस साइड पर देखें तो शाहदरा आपको नज़र आएगा, आपने अगर सियालकोट जाना है या जाना है गुजरांवाला तो वो रोड इस साइड पर है। बहरहाल इस वक्त हम टॉप पर मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को फैमिलीज़ के लिए थोड़ी सी सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द के जो देहाती लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी हल्ला-गुल्ला करते हैं और फैमिली के साथ आए हुए लोग जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं उनके शोर से, और फैमिली की कुछ ख़वातीन को भी मैंने देखा है कि वो गुल गपाड़ा कर रही थी लड़कों की तरह। बहरहाल ये गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए और आने वालों को भी थोड़ा सा जो है ये सोचना चाहिए कि लोग दूर दराज से आते हैं सुकून के लिए, इसको देखने के लिए, और विजिटर काफ़ी परेशान होते हैं। व्यूअर्स, ये जो आपने एक बड़ा सारा हॉल देखा है, ये कोई टूटी हुई छत नहीं है, ये उस दौर में पानी के अखराज के लिए, बारिश की वजह से जब पानी अहाते में इकट्ठा हो जाता था टॉप पर जिसकी छत है, तो उसके अखराज के लिए एक मुनासिब जो है उन्होंने इंतज़ाम किया था।
उसको हम जो है उर्दू में जो है आपको भी पता क्या कहते हैं, ये पानी के अखराज के लिए इतना बड़ा हॉल बनाया गया था। और ये पूरे जो बारादरी है और उसका हॉल है उसके चारों अतराफ जो है ये मौजूद हैं, ऐसे जो है काफ़ी बड़े बड़े हॉल और छोटे छोटे भी मौजूद हैं। तो इससे महसूस होता है कि इतने पुराने दौर में भी इतने ज़हीन लोग मौजूद थे, इन्होंने एक बारीक सी बारीक चीज़ को भी जो है मद्देनज़र रखा ताकि जिससे इमारत जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये इमारतें जो है काफ़ी सालों से जो है अपने आबोताब से जो है यहाँ पर हैं। उसकी वजह यह है कि बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों ही इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि मौसमी असर जो है वो इस इमारत पर कम पड़े। तो काफ़ी खूबसूरत है। जनाब आपको इसकी एक और हैरत अंगेज़ बात मैं बताता हूँ कि ये जो बारादरी है जो शेखुपुरा में हरन मीनार है वो अंडरग्राउंड जो सुरंगों के ज़रिए उससे कनेक्टेड है, और इस तरह जो है बादशाही मस्जिद तक जो है ये अंडरग्राउंड कनेक्टेड थी, लेकिन इस वक्त जो है इसका वो निज़ाम नहीं है। तो एक दोस्त है यहाँ पे, उनसे मैंने पूछा कि इस जगह को क्या कहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये शाही ख़ानदान जो थे अपने जो है किचन बतौर किचन जो है इस जगह को इस्तेमाल करते थे, और जो जिस जगह पे हम टॉप पे गए थे इसकी वो जगह वज़रा के लिए थी जहाँ पर वो अपनी मीटिंग्स ऑफिशियल मीटिंग किया करते थे। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी भी इसको जो है गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए जो इसकी कंस्ट्रक्शन को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर वो निज़ाम हमें नहीं लगता। लेकिन अगर ओवरऑल इसकी इमारत को देखा जाए तो काफ़ी
अच्छी हालत में बनिस्बत बाकी जो है तारीखी मकामात उनसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी बालकनी है, शीशे भी टूटे हुए हैं और काफ़ी चीज़ें जो है इसकी डैमेज हैं, इस पर थोड़ी सी तवज्जो गवर्नमेंट देनी चाहिए और सयाहों के लिए कुछ सहूलियात का जो है फुकदान है उसको भी होना चाहिए। ये हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सयाहों को मज़ीद यहाँ पर रागिब करना चाहते हैं तो इस माहौल को मज़ीद पुरसकून बनाया जाए। तो ये जगह मैंने आपको दिखाई कि नीचे वाला पोर्शन बतौर किचन इस्तेमाल होता था और टॉप पे जो है वज़रा की ऑफिशियल मीटिंग होती थी मुगलिया। व्यूअर्स, ये जो हाल है मेन, ये शाही दौर में इसको जो है बतौर किचन इस्तेमाल किया जाता था। हम इसी जगह पे ठहरे हुए हैं तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जो है इस पर थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए तो सियाहत के हवाले से इसको बहुत अच्छा फ़रोग मिल सकता है। यकीनन आपको मिर्ज़ा कामरान की बारादारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो नई वीडियो नई जगह के साथ इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए आमिर चौधरी को दी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।